न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर में देर रात नशे में धुत कार चालक ने डिलीवरी बॉय को रौंदा, एक तारीख एक घंटा एक साथ पहल पर नागरिकों की सहज प्रतिक्रिया। इश्क के लिए लूटपाट, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कर रहे थे लूट, पुलिस ने दबोचा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में देर रात नशे में धुत कार चालक ने डिलीवरी बॉय को रौंदा। नागपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज 2 जून को सुबह 12:30 बजे एक बार फिर हिट एंड रन की घटना सामने आई है। कार सवार 3 लोगों ने जोमैटो डिलीवरी राइडर को टक्कर मार दी और मौके से भाग गए और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। डिलीवरी राइडर को गंभीर चोटें आई है और उसकी हालत गंभीर है, उसके बचने की संभावना कम बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के समय तीनों कार सवार शराब के नशे में पाए गए थे। प्रताप नगर पुलिस इंस्पेक्टर राठौर और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार को ऑरेंज सिटी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उसे आगे के इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। Alcohol inside. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक तारीख एक घंटा एक साथ पहल पर नागरिकों की सहज प्रतिक्रिया। स्वच्छ सुंदर और स्वास्थ्य नागपुर शहर बनाने के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा शनिवार सुबह लागू की गई अभिनव पहल एक तारीख एक घंटा एक साथ पर नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रियाएं दी है। नगर पालिका के सभी 10 क्षेत्रों के नागरिकों ने इस गतिविधि में स्वतःस्फूर्त भाग लिया है और अपना श्रम दान किया। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी और अपर आयुक्त श्रीमती आंचल गोयल ने इसमें भाग लिया। इनके मार्गदर्शन पर प्रत्येक माह 1 तारीख को स्वच्छता कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह अभिनव गतिविधि नगर पालिका के सभी 10 जोनों में विभिन्न स्थानों पर क्रियान्वित की गई है। इसमें लक्ष्मी नगर जोन के अंतर्गत HB एस्टेट, सोनेगांव झील, धर्मपेट जोन के अंतर्गत दाभा रोड, मारुति शोरूम अमराती रोड, हनुमान नगर जोन के अंतर्गत सिद्धेश्वर नगर, धनतोली जोन के अंतर्गत महाजन चकमानिस नगर शामिल है, नेहरू नगर जोन के अंतर्गत मैदान, बड़ा ताजबाग इत्यादि जोन शामिल है। नागरिकों ने सड़क से कूड़ा, पेड़ की शाखा आदि उठाकर कूड़ा दान में डाला गया। साथ ही संबंधित जोन के सहायक आयुक्त के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, क्षेत्र दोबारा गंदा ना हो, लोग वहां दोबारा कूड़ा ना फेंके। इस अवसर पर स्वच्छता के लिए श्रमदान की इस गतिविधि में नागरिक, गैर सरकारी संगठन, विद्यार्थी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इश्क के लिए लूटपाट, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कर रहे थे लूट, पुलिस ने दबोचा। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए हर बॉयफ्रेंड कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। कुछ ऐसा ही नागपुर के 3 युवकों ने अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करने के लिए गैंग बनाकर लोगों के मोबाइल लूटना शुरू कर दिए। मोबाइल स्नैचिंग से इकट्ठा किया हुआ पैसा वो अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करने लगे।
लूटा हुआ मोबाइल ने सभी को पुलिस के शिकंजे में फंसा डाला। जिस गर्लफ्रेंड के लिए यह सब कर रहे थे वो पकड़ी गई और गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर में लगातार मोबाइल लूट की घटनाओं ने पुलिस को परेशान कर दिया है। पुलिस ने मोबाइल लुटेरों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया। पुलिस के हत्थे तीन मोबाइल चोर लग गए। ये तीनों आपस में दोस्त है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि तीनों ने मिलकर एक गैंग बनाया है और यह मोबाइल फोन छीनने लगे है। तीनों आरोपी शाम को बाइक से निकलते और सुनसान इलाके में पहुंच जाते। वहां अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन पर बात कर रहा होता हो तो यह अचानक उसके पास से गाड़ी चलाकर उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते थे। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक ट्वीट कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।